हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले अल्कलाइड्स, ये कन्वर्जेंस 5 मार्क के क्वेश्चन में आते हैं और इसके अलावे बहुत सारे केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये काम आता है। आज का ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी कोई वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये कन्वर्जेंस जो हैं 5 मार्क के क्वेश्चंस में आते हैं, 5 कन्वर्जेंस आपसे पूछे जाएंगे। और कन्वर्जेंस के अलावा इस इन रिएक्शंस को करने से ये फ़ायदा होता है कि आप रिएक्शन रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप 100% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओनली मैकेनिज्म वगैरह वो सब पढ़ना पड़ेगा, व्हाट हैपेंस व्हेन रिएक्शंस के फिल इन द ब्लैंक्स, और कन्वर्जेंस तो है ही, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब आप सॉल्व कर सकते हैं इसको ध्यान से करने के बाद। चलिए आज अल्काइल हैलाइड हम लोग करेंगे। तो अल्काइल हैलाइड में सब यहाँ पे ध्यान रखिए, R क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है, कोई भी अल्काइल ग्रुप, तो ये मिथाइल हो सकता है, ये इथाइल हो सकता है, और इस तरह से ये प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है। तो R के फॉर्मेल में लिखा है, जनरलाइज्ड फॉर्मेल लिखा गया है, आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्म क्या होता है, R X, X क्या है, हैलाइड से क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी लिख सकते हैं, तो कॉमनली क्लोरीन लेते हैं। तो यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड लिया हुआ है अल्काइल हैलाइड। तो पहला रिएक्शन इसको ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ, ये क्या है, जी आर, ग्रिनार्ड रिएजेंट, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन होता है। तो और फिर हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मेल्डिहाइड्स के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये हमें 1 डिग्री अल्कोहल देता है। तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि आप इथाइल क्लोराइड से कोई भी प्राइमरी अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल कैसे बनाओगे, प्रोपाइल अल्कोहल कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले इथाइल क्लोराइड को अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे, उसके बाद जो प्रोडक्ट अल्काइल, उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा तो वो हमारा उसको फॉर्मेल्डिहाइड्स के साथ ट्रीट करेंगे, तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। हाँ, एक मिसिंग था, मैग्नीशियम प्लस ईथर के साथ इसको ट्रीट करते हैं, तो ये हमें अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रेनाइट रिएजेंट देता है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है, मान लीजिए आपको 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, कहाँ से, अल्काइल हैलाइड से। तो सबसे पहला स्टेप तो सेम होगा, मैग्नीशियम प्लस ईथर, ग्रेनाइट रिएजेंट मिलेगा, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड मिलेगा, फिर उसको एसिटाल्डिहाइड के साथ ट्रीट करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के बाकी एल्डिहाइड्स के साथ ट्रीट करेंगे, तो सेकेंड डिग्री अल्कोहल मिलेगा। आर डिपेंड करेगा क्या चाहिए आपको, ठीक है, कौन सा अल्कोहल चाहिए, किस सीरीज में अल्कोहल चाहिए। और नेक्स्ट है, यहाँ पे CO2 मिसिंग है, ठीक है। थर्ड आपको पूछा जाएगा, अल्काइल हैलाइड से आप 3rd डिग्री अल्कोहल कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले मैग्नीशियम प्लस ईथर के साथ ट्रीट करेंगे, तो ग्रेनाइट रिएजेंट मिलेगा, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड मिलेगा, उसके बाद अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को कीटोन के साथ ट्रीट करेंगे, तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, 3rd डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, आपको पूछा जाएगा कि अल्काइल हैलाइड से आप कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाओगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम फिर वही करेंगे, मैग्नीशियम प्लस ईथर के साथ ट्रीट करेंगे, तो ग्रेनाइट रिएजेंट बनेगा, मिलेगा हमें अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और ग्रेनाइट रिएजेंट, सेम चीज़ें, तो
तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड मिलेगा, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसे पूछा जाएगा कि अल्काइल हैलाइड से आप एल्केन कैसे बनाओगे, और जिसका सीरीज हायर सीरीज हो, मीन्स मीथेन से इथेन कैसे बनाओगे, तो हम क्या क्या करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, मीथेन से इथेन, तो मिथाइल क्लोराइड लेंगे, सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे, टू सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पे टू मिथाइल क्लोराइड, टू सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें इथाइल इथेन मिल जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। तो इस तरह से, तो इसको हम ऊर्जी रिएक्शन भी कहते हैं। ये यहाँ पे हमें ड्राई ईथर चाहिए, ड्राई ईथर, और इसको क्या कहा जाता है, ऊर्जी रिएक्शन भी कहा जाता है, इसको ऊर्जी रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे, तो याद रखिएगा हमेशा कि हायर सीरीज में यदि हमें एल्केन चाहिए होगा, लोअर सीरीज से जैसे इथेन से मीथेन चाहिए, मीथेन से इथेन चाहिए, या प्रोपेन चाहिए, या इथेन से ब्यूटेन चाहिए, तो इनके लिए हम ऊर्जा रिएक्शन यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जाता है कि अल्काइल हैलाइड से आप एल्कीन कैसे बनाओगे, तो जैसे इथेन से इथीन कैसे बनाऊं, डबल बॉन्ड, तो अल्कोहलिक के ओएच के साथ ट्रीट करके, याद रखिएगा अल्कोहलिक के ओएच के साथ ट्रीट करके। फिर और एक ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई इथाइन कैसे बनाओगे, अल्काइन के कैसे, अल्का ये एन है, तो अल्काइन कैसे बनाओगे, ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड। फिर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप तो ही होगा, अल्कोहलिक के ओएच के साथ ट्रीट करेंगे तो एल्कीन बनेगा, फिर Br2 के साथ ट्रीट करेंगे तो डाइब्रोमो 1,2 डाइब्रोमो इथेन बनेगा, और उसको फिर अल्कोहलिक के ओएच के साथ दोबारा ट्रीट कर होगा तो वो क्या बनेगा, अल्काइन बनेगा, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट है, तो अल्कोहलिक के ओएच कंपाउंड क्या बना दे देता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, याद रखिए इसे। फिर अल्काइल हैलाइड से पूछा जाएगा अल्कोहल कैसे बनाओगे, तो एक्वस क्यूएच, दो डिफरेंट चीजें हैं, अल्कोहलिक क्यूएच, एक्वस क्यूएच, तो एक्वस क्यूएच अल्कोहल बनाता है, तो कोई भी इथाइल क्लोराइड ले लिए, एक्वस क्यूएच के साथ ट्रीट किए तो इथाइल अल्कोहल बना देगा, उसी तरह प्रोपाइल क्लोराइड ले लिए, एक्वस क्यूएच के साथ ट्रीट किए, प्रोपाइल अल्कोहल प्रोपेनॉल बना दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट यदि आगे पूछा जाए कि भाई आप एल्डिहाइड कैसे बनाओगे, तो याद रखिए CU, ये जो अल्कोहल तक बनाए उसके बाद CU 573 डिग्री के साथ यदि रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, और हाइड्रोजन जैसे ही निकलेगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट यदि ऐसा पूछा जाए कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाओगे, तो के एमिनो फोर के साथ ट्रीट करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, और ऐसा भी पूछा जाता है कि भाई एल्डिहाइड है आपके पास तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाओगे, तो के एमिनो फोर के साथ ट्रीट करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कॉपर 573 डिग्री के माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड बना, यदि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक के एमिनो फोर लेंगे तो डायरेक्टली वो एसिटिक एसिड बना देगा, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, उसी तरह एल्डिहाइड से यदि हम ऑक्सीडाइज कर दें तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी ले सकते हैं, के एमिनो फोर वगैरह। आगे बढ़ते हैं, अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अल्काइल हैलाइड है उससे आप अल्काइल अमीन कैसे बनाओगे, तो
NH3 के साथ ट्रीट करके HCl निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्काइल अमीन बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड में और इससे बाहर कुछ भी, कोई भी कन्वर्जन नहीं है, ठीक है, याद रखिए। इसे जो हमने पढ़ा है, इससे अभी पढ़ा है, इससे बाहर कोई भी कन्वर्जन नहीं है, ठीक है। ये आप यदि कर लेते हैं तो अल्काइल हैलाइड का कोई भी कन्वर्जन आपसे मिस नहीं होगा। हम इस तरह के रेगुलर वीडियोस में सारे चैप्टर्स के जो कन्वर्जन्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो खत्म करेंगे। कृपया इनको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो और आपको एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आएँ, इन शुभकामनाओं के साथ हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे कुछ नए प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।